उससे लग रहा है। खरगोन जिला मुख्यालय पर आए दिन यातायात समस्याओं से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे कई बार छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसी को देखते हुए आज यातायात की समस्या को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने गायत्री मंदिर तिराहे पर ट्रैफिक सिग्नल को फिर से शुरू कर दिया है। यातायात प्रभारी ने बताया कि व्यवस्था को सुधारने के लिए आज से यातायात पर निगरानी रखी जा रही है, जिसमें सड़क पर सिग्नल को भी शुरू कर दिया है। अब सड़क से गुजरने वाले सभी राहगीरों को यातायात नियमों का पालन करना होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये व्यवस्था तो पहले से ही हो जाना चाहिए थी, क्योंकि शहर में जो ट्रैफिक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सड़क पे जो हादसे हो रहे हैं खरगोन शहर में वो काफ़ी संख्या बढ़ते जा रहे हैं। आज देखेंगे मेट्रो सिटी या इंदौर हम लोग जाएँ कि बाहर जाते हैं तो जितने भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं वो बहुतायत में देखते हैं बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा आसपास वहीं से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था नहीं, लोग पालन करना नहीं सीख रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ पर कि आज सभी लोग ट्रैफिक पुलिस वाले सब लोग लगे हुए हैं और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये चार पांच जगह जो खरगोन शहर जो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, जैसे बिस्टान नाका हुआ है ना, अपना नौकरा मंदिर हुआ, गोरीधाम हुआ, पोस्ट ऑफिस चौरा हुआ, तो वहाँ भी लगे ताकि लोगों की ये रूटीन में आएगा है ना। और जो दिन प्रतिदिन जो घटनाएँ हो रही हैं, उस पर भी एक प्रतिबंध और एक पाबंदी, मतलब एक रोक लगेगी उसमें। लोगों में जागरूकता नहीं है, हम लोगों को जो जैसे रेड लाइट चलती है तो रुकते हैं तो उनको बता रहे हैं सबको अभी कि देखो 32 जब ग्रीन हो जाए तब निकलना, रेड होता तब आपको रुकना है। अभी सबको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से बत्ती बंद थी, अभी चालू करवाई है। अभी स्टॉप लाइन जेब्रा क्रॉसिंग डलना बाकी है, जब डल जाएगी तो उनको दिखा देंगे कि आपको स्टॉप लाइन पर रुकना है। जो पैदल जो चलते हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके पैदल वालों को निकलना है तो वो निकल सकते हैं आसानी से, तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं उनको। इसको कंटिन्यू कब तक करेंगे? इसको कंटिन्यू करेंगे आज से, अब लगभग जब जेब्रा क्रॉसिंग डल जाएगी स्टॉप लाइन वगैरह तो और आसानी हो जाएगी। पूर्व में भी लाइट चालू, स्ट्रीट लाइन चालू थी, जेब्रा क्रॉसिंग भी थी, लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं हो रहा था, वो कहाँ कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी तरफ से भी लापरवाही रही है। अब पहले मेरे को नहीं मालूम है क्योंकि मैं अभी एक साल पहले ही ट्रैफिक में आया हूँ, तो पहले की स्थिति मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब से मैं आया हूँ तब से हम लोगों ने नगर पालिका की तरफ से जो सिग्नल लगवाया गया था उसको लेटर जारी करवा के चालू करवाया है। अब जेब्रा क्रॉसिंग के लिए भी बताया गया है उनको, जब जेब्रा क्रॉसिंग डल जाएगी तो कंटिन्यू रहे।